दोस्तों, आज की काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमारे भारत के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से निकलकर आ रही है। और दोस्तों, यह बड़ी खबर यह है कि भारत ने अपना खुद का मदरबोर्ड 100% मेक इन इंडिया के तहत बना लिया है। और दोस्तों, सबसे कमाल की बात यह है कि हमारे भारत में यह मदरबोर्ड जो तैयार हुआ है, इसकी कीमत चीन के भी मदरबोर्ड से काफ़ी ज़्यादा सस्ती होने वाली है। और दोस्तों, भारतीय मार्केट में चीन द्वारा एक्सपोर्ट हो चुके मदरबोर्ड ने अपनी डोमेन्स जो बना ली थी, उसी जगह पर हमारे भारतीय मदरबोर्ड की मेगा प्रोडक्शन करके मात्र 2 से 3 महीनों में चाइना की इस डोमेन्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इस भारतीय मदरबोर्ड से रिलेटेड एक और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज जुड़ी हुई है। क्या है वह अपडेट, आज की छोटी सी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो आप पूरी देखिएगा। और इसी के साथ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी भारतीय सरकार ने लाइसेंस रूल को एक्टिवेट कर दिया है। और इस नए रूल के तहत भारत की एवं फॉरेन की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, जो कि चीन, ताइवान, कोरिया या फिर जापान, किसी भी देश का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, खासकर जैसे लैपटॉप, टेबलेट भारत में अगर इम्पोर्ट कराएंगी, तो उन सभी कंपनियों को भारतीय सरकार के एक स्पेशल लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों, अगर हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो सरकार द्वारा इस लाइसेंस का बस एक सीधा सा मकसद है कि जो भारत में इलीगल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मंगवाए जा रहे हैं, उन पर रोक लगाई जा सके। और दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि सरकार द्वारा इस रोक पर भारतीय कंपनियों से ज़्यादा चीन को परेशानी हो रही है। और यही एक तरफ जब हमारे भारत ने अपना मदरबोर्ड बना लिया है, तो यह जानकर चीन की चीख सी निकल चुकी है। और दोस्तों, यहीं पर हम आपको बताना चाहते हैं कि यह बड़ा कारनामा भारतीय कंपनी सहस्त्र ने किया है। इस कंपनी का पूरा नाम है सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। और दोस्तों, यह कंपनी के ऑफिशियल्स के द्वारा यह बताया गया है कि यह मदरबोर्ड इंटेल 13 जनरेशन चिपसेट के साथ पूरे भारत एवं वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाएगा। और यह काम भी साल के लास्ट महीने में शुरू भी हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों, ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि यह जो हमारे मदरबोर्ड होंगे, वो चाइनीज मदरबोर्ड से भी 10 गुना सस्ते होंगे, क्योंकि आज के वक्त में जो मदरबोर्ड चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, उनकी कीमत करीब 7 से 8 हज़ार रुपए है। और यही हमारे मदरबोर्ड की कीमत मात्र 4 से 5 हज़ार होगी। और दोस्तों, कंपनी या मदरबोर्ड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपना खुद का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर भी काफी तेजी से काम शुरू कर चुकी है। और जल्द ही सहस्त्र खुद का सेमीकंडक्टर तैयार कर लेगी और इन दोनों ही चीजों को डोमेस्टिकली तरीके से इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। और आने वाले कुछ सालों में कंपनी अपने LED चिपसेट को भी जल्द ही लॉन्च कर सकती है। और यहीं पर दोस्तों, हम बात करें हमारे भारतीय मदरबोर्ड की, तो साल 2030 तक यह इंडस्ट्री करीब 30 से 40 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और भारत में इसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक के न्यू प्लान को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।